उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र स्थित राजा बाजार चौराहे के पास चार मंजिला मकान में लीकेज सिलेंडर से आग लग गई। देखते ही देखते पूरे घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दमकल कर्मियों ने तीन वाहनों की मदद से आग पर काबू पाकर आग में फंसे परिजनों को बाहर निकाला। आग से पिता पुत्र मामूली रूप से झुलस गए हैं, जिनका पास के अस्पताल में उपचार करवाया गया। वहीं आग से ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी कार और बाइक जलकर राख हो गई। लखनऊ से संवाददाता आयुषी शर्मा की रिपोर्ट। 6:52 में हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे राजा बाजार में एक मकान में आग लग गई है। तत्काल हम लोग दो गाड़ियाँ लेके आए और यहाँ आके देखा कि एक ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी, जिसमें कार थी और एक बाइक थी, सिलेंडर वगैरह भी जल रहा था। तो हम लोगों ने उसको जब बुझाना शुरू किया तब पता चला कि कुछ लोग ऊपर भी फंसे हुए हैं, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था कि हम लोग तुरंत अप्रोच नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने उन लोगों से छत पे जाने की आग्रह किया कि आप लोग छत पे जाके रहें और हम लोग बुझाते हुए ऊपर आ रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों ने आग को बुझाना शुरू किया और जब आग पर काबू पा लिया गया काफ़ी हद तक, तो लैडर लगा के, जैसा आप देख रहे हैं बगल में लैडर लगी है, इससे हमारे जवान और मैं स्वयं ऊपर जाके लोगों के पास उनको दिलासा दिया। फिर जब धुआं नॉर्मल हुआ तो एक एक करके हमने सभी लोगों को लगभग निकाल लिया।